वेलकम टू माई चैनल इंडिया का किचन। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन अंगारा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाऊंगी। चिकन अंगारा में मैं दो बार स्मोकी फ्लेवर दूंगी, जिससे ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होगा। अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन अंगारा बनाना है तो मेरे वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तभी आपको चिकन अंगारा की रेसिपी समझ में आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चिकन अंगारा बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है। चिकन को हमने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका एक्स्ट्रा पानी जो था उसको हमने ड्रेन कर दिया है। कुछ स्पाइसेस पाउडर लेंगे, जिसमें एक चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, जिसको डालने से चिकन अंगारा में बहुत ही अच्छा कलर आता है। एक चम्मच कस्तूरी मेथी लेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच नमक। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कुछ साबुत मसाले लेंगे, जिसमें चार हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, आधा चम्मच साबुत जीरा लेंगे, 6 से 7 सूखी लाल मिर्चें लेंगे, 8 से 10 काली मिर्च लेंगे, 4 से 5 लौंग लेंगे, 2 से 3 दालचीनी का टुकड़ा लेंगे और 1 चम्मच साबुत धनिया लेंगे। इन सभी साबुत मसालों को हम ड्राई रोस्ट करके इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। इसको डालने से हमारे चिकन अंगारा में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 2 मीडियम साइज का प्याज है, जिसको हमने फ्राई कर लिया है। इसका हमें एक पेस्ट तैयार कर लेना होता है। 2 मीडियम साइज का टमाटर है, जिसको हमने पीस लिया है। 100 ग्राम हम दही लेंगे, इसको हमने बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, 1 चारकोल का टुकड़ा लेंगे, इससे हम चिकन में स्मोकी फ्लेवर देंगे। चिकन में हम 2 बार स्मोकी फ्लेवर देंगे, एक बार हम चिकन को मैरिनेट करते समय और दोबारा चिकन रेडी होने के बाद। बाकी के सामान में हमने 1 मुट्ठी धनिया लिया, जिसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 2 तेज पत्ता लेंगे, 1 हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 2 लौंग है, 4 से 5 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी मिर्च लेंगे, 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था, जिसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। 100 ml ऑयल लेंगे, यहाँ पर हम मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, आप इसकी जगह पे रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चिकन बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में हम सभी साबुत मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे और मसालों को लगातार चलाते हुए हमें मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेना होता है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मसालों को हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो मसाला हमारा जल जाएगा। तो ये देखिए, मसालों को लगातार चलाते हुए हमने इसे बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है और इसका हम एक पाउडर तैयार कर लेंगे। इसको डालने से चिकन अंगारा हमारा बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है, तो आप ये स्टेप जरूर से कीजिएगा। तो चलिए अब चिकन को हम मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन में हम सभी स्पाइसेस पाउडर को ऐड कर देंगे और साथ ही में इसमें हम अदरक और लहसुन के पेस्ट को ऐड कर देंगे और अब इसमें दही को भी ऐड कर देंगे और साथ ही में इसमें हम टमाटरों के पेस्ट को भी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम पाउडर मसालों को ऐड कर देंगे। इसको हमने बहुत बारीक पीस लिया था, ये स्टेप आप ज़रूर से कीजिएगा। अब इसमें हम प्याज के पेस्ट को भी ऐड कर देंगे अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें मिला लेना है। सभी मसालों को हमें चिकन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे 1 घंटे तक ज़रूर मैरिनेट कर लीजिएगा। 1 घंटे हो चुके हैं। अब इसमें हम एक स्मोकी फ्लेवर देते हैं। एक जलते हुए चारकोल को हम फॉइल पेपर या कटोरी में रख कर चिकन को ढक कर इसमें एक स्मोकी फ्लेवर दे देंगे। इसे हम 10 से 15 मिनट तक इसी तरह ढके रहने देंगे, जिससे इसका स्मोकी फ्लेवर चिकन में बहुत अच्छे से रिलीज हो जाए। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। एक पैन में हमने 100 ml के करीब ऑयल को ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें सभी साबुत मसालों को ऐड कर देंगे और साथ ही में इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब इसमें हम मैरिनेट किए हुए चिकन को ऐड कर देंगे
और गैस का फ्लेम हम इस स्टेज पर लो कर देंगे, नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा, साबुत मसाले हमारे जल जाएंगे। तो लो फ्लेम पर चिकन को जो हमने मैरिनेट किया था उसको ऐड कर देंगे, और इसमें जो एक्स्ट्रा मसाला है उसको भी हम इसी में डाल देंगे, और गैस का फ्लेम हम हाई करके बहुत अच्छे से चिकन को फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट तक हम चिकन को लगातार चलाते हुए बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जिससे चिकन में एक जो कच्चापन होता है वो दूर हो जाए और मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाए। तो ये देखिए चिकन को हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब चिकन को हम ढक देंगे। इस स्टेज पे हम चिकन को ढक देंगे और इसे हम 25 से 30 मिनट तक लो फ्लेम पर चिकन को बहुत अच्छे से पका लेंगे। चिकन को हमें इतना अच्छा पकाना होता है कि चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल जाए और चिकन से। तो ये देखिए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। अब हम चिकन को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है, तेल हमारा सरफेस पे आ चुका है, तेल हमारा उर्ज आउट हो चुका है। और बीच में आप इसे चेक करते रहिएगा कहीं चिकन हमारा जल तो नहीं रहा है। ये देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। अब हम एक फाइल पेपर लेंगे, आप इसके जगह पे कटोरी भी ले सकते हैं, और इसमें एक जलता हुआ कोयला रखेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे, और इसको ढककर हम 10 से 15 मिनट तक इसी तरह हमें ढके रहने देना होता है, जिससे कोयले में जो स्मोकी फ्लेवर होता है वो हमारे चिकन में रिलीज हो जाए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम कोयले को निकाल लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा धनिया से इसे गार्निश कर देते हैं। धनिया आप बिल्कुल लास्ट में ऐड कीजिएगा, और साथ ही में इसमें हम जूलियन अदरक को भी ऐड कर देंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए चिकन अंगारा हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसे हम फटाफट से सर्व कर लेते हैं। ये देखिए चिकन अंगारा हमारा बनकर कितना अच्छा रेडी हुआ है, इसे हम थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी? आप चिकन अंगारा को नान के साथ, चपाती के साथ, पूड़ियों के साथ, किसी के साथ भी सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसे एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये चावलों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसे मटर पुलाव के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए ना जाइएगा। थैंक यू।